हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ द नवंकुर फाउंडेशन। सो गाइस, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के पर्पस क्या क्या होते हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन के मेन जो दो टाइप्स होते हैं उनमें से पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी बेसिक चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। क्लियर है गाइज? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब हम लोग टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे उसके पश्चात हम लोग ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे कि भाई एक्चुअल में रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। तो चलिएगा हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हेल्प करता है पूरे ऑर्गेनिजम्स को। चलिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है गाइस? और इसमें स्पेशली देखिएगा सेकेंड लाइन में जो लिखा है, पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग्स विल बी जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सेम। कैसे होंगे? क्लोन्स होंगे। कैसे होंगे जी? क्लोन्स। देखिएगा, जो भी पेरेंट से, ठीक है, जो भी ऑफ स्प्रिंग पेरेंट के जैसा होता है उसे बोल देते हैं बायोलॉजिकल भाषा में क्लोन। क्लियर है? लेकिन अगर हम लोग बात करें सिंपल लैंग्वेज में तो आप लोग फोटोकॉपी समझ सकते हैं, एज इट इज होंगे। क्लियर है? क्योंकि इनमें गैमिट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों फॉर्मेशन नहीं होता? क्योंकि यहाँ पास सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर गैमिट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ, तो यहाँ पास फ्यूजन ऑफ गैमिट भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पास फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो जाइगोट नहीं बनेगा, मतलब किससे? फ्यूजन से। क्लियर है? नॉर्मली जाइगोट बनेगा, लेकिन यहाँ पास गैमिट्स के फ्यूजन से यहाँ पास क्या नहीं बन रहा है? जाइगोट नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पास कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए उनको हम लोग स्पेशली कह देते हैं क्लोन्स। क्लियर है गाइस? तो ये चीज़ हो गई हमारी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो कैसे होंगे? एज इट इज सेम होंगे, पेरेंट्स के जैसे होंगे। चलिएगा, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें से पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी सा पॉइंट है जिसको कहते हैं बाइनरी फिजन। इसके एग्जांपल्स हैं स्पेशली अमीबा और बैक्टीरिया। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में बाइनरी फिजन कैसे होता है। सपोज टू बी दिस इज अ अमीबा एंड दिस इज द सूडोपोडिया। ओके, तो ये सूडोपोडिया हो गया और ये क्या हो गया? अमीबा हो गया। इसमें क्या होता है कि अप एंड डाउन डायरेक्शन में क्या हो जाता है? फॉरो फॉर्मेशन हो जाता है। जब फॉरो फॉर्मेशन होता है तो धीरे धीरे इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो भी धीरे धीरे डिवाइड हो जाता है और टू ऑफ स्प्रिंग अमीबाज में ये क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पास कितने ऑफ स्प्रिंग्स बन चुके हैं? दो ऑफ स्प्रिंग बन चुके हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोजेनी अमीबा। क्लियर है गाइस? तो ये चीज हो गई क्या? लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पास क्या फॉर्मेशन हो रहा है? फॉरो फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे टू ऑफ स्प्रिंग अमीबा बन गए। वैसे ही बैक्टीरियाज में भी होता है। क्लियर है? चलिएगा अब हम लोग दूसरा देखते हैं जिसको कहते हैं बडिंग। एक्चुअल में जो बडिंग है वो स्पेशली हम लोग स्टडी करेंगे हाइड्रा में। जो हाइड्रा होता है उसमें एक्चुअल में बड फॉर्मेशन होता है, और बड जब फॉर्मेशन होता है तो उस बड से एक न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पास, देखिएगा सपोज टू बी दिस इज अ हाइड्रा, ठीक है गाइस? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हाइड्रा है। ये जो हमारा हाइड्रा है इसमें मान लीजिए कि इस यहां पास क्या हो गया? ऐसे बड का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया जी? हमारा बड फॉर्मेशन हो गया, मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया। और ये वाला जो पोर्शन रहेगा जब ये कट कर क्या होकर? कट होकर यहाँ से जब अलग हो जाएगा तो वो नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा। देखिए यहाँ पास कैसे,
तो ये क्या हो गया, न्यू हाइड्रा फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? तो ये चीज है कि यहां पास क्या हो गया, बड का फॉर्मेशन हुआ और उस बड से न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया। इसको कह देते हैं हम लोग बडिंग। स्पेशली एग्जांपल्स याद रखेंगे, हाइड्रा में मोस्टली पाया जाता है और यीस्ट में भी ये पाया जाता है। चलिएगा, तो हमने इनिशियल लेवल पे बाइनरी फ्यूजन और बडिंग को देखा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और रीजनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के बीच में जब क्लासरूम में पढ़ाया जाती हैं ये चीज़ें, तो डाउट ये रहता है कि सर फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में थोड़ा सा क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, तो दिक्कत आती है ऐसा। तो इन चीज़ों को जब समझाएंगे हम, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? चलिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके लिए अलग सा वीडियो बना दिया जाएगा। चलिएगा, फ्रेगमेंटेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सपोज टू बी ये किसी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। मान लीजिए कि ये फिलामेंटस एल्गी में हो रहा है। किसमें हो रहा है जी? फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी है ये, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि जब इसको थ्री पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। क्लियर है गाइस? तो इससे क्या हो जाएगा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एक न्यू फिलामेंटस एल्गी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, न्यू फिलामेंटस एल्गी में, और ये वाला भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू फिलामेंटस एल्गी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, हमारा न्यू फिलामेंटस एल्गी बन चुका है, और यहाँ पास भी क्या हो चुका है, न्यू फिलामेंटस एल्गी बन चुका है। क्लियर है? ये क्या हो गए, न्यू एल्गी। तो यहां पास क्या हुआ, स्पेशली याद रखेंगे कि जहां पास फ्रेगमेंट्स हुए, एक फ्रेगमेंट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, बन रहा है यहां पास। क्लियर है? ये चीज होता है फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? हर एक फ्रेगमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म का बन जाना ही कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। फिलामेंटस एल्गी, एल्गी स्पाइरो वगैरह स्पेशली, और फंजाई में राइजोपस, और ब्रायोफाइट्स में होते हैं रिक्सिया एंड दी मार्केंशिया। इनके बारे में हम लोग प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पास आप लोगों को ये तीन जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में याद रखने होंगे। चलिएगा, तो ये तो हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन के बारे में कि फ्रेगमेंटेशन एक्चुअल में क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रीजनरेशन एक्चुअल में क्या है। रीजनरेशन जो है वो सबसे पहले पाया गया था हाइड्रा में। किसने डिस्कवर किया था? अब्राहम ट्रेम्बले ने किया था 1740 में। क्लियर है? मतलब रीजनरेशन सबसे पहले किस में पाया गया, अगर पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे अपन, ये पाया गया था हाइड्रा में। डिस्कवरी किसने की थी भाई? तो अब्राहम ट्रेम्बले ने की थी। कब की थी? 1740 में की थी भाई। तो ये चीज हो गई हमारी किसके बारे में, रीजनरेशन के बारे में। इनिशियल स्टेज पे कुछ साइंटिस्ट ने जब इसकी डिस्कवरी की। अब देखिएगा, आप लोगों को मैं रीजनरेशन के बारे में समझाऊंगा, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पास हाइड्रा में भी रीजनरेशन पाया जाता है, स्पॉन्ज में भी पाया जाता है, अमीबा में भी पाया जाता है, लिजार्ड एंड दी प्लेनेरिया। यहाँ पास लिजार्ड से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने चिपकली देखी होगी, लिजार्ड देखा होगा। उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज टू बी चिपकली का क्या हो गया, पूंछ टूट गया। जब उसका पूंछ टूट जाता है तो 15 दिन में, महीने भर में उसकी नई पूंछ आ जाती है। तो वो एक्चुअल में क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पास दो स्पेशल टर्म्स को डील करेंगे रीजनरेशन से रिलेटेड। तो जो रीजनरेशन होता है वो एक्चुअल में टू टाइप्स का होता है। पहला होता है मॉर्फेलेक्सिस। मॉर्फेलेक्सिस जो होता है वो एक्चुअल में होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रैगमेंट। मतलब यहाँ पास क्या हो रहा है कि एक छोटा सा फ्रैगमेंट है, मान लीजिए किसका है, ये हाइड्रा का फ्रैगमेंट है। क्लियर है? ये बडिंग जैसा ही है। मान लीजिए आप कि यहाँ पास एक कोई बड आ गया या फिर छोटा सा पार्ट कट के बाहर हो गया, उससे क्या हो जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा।
ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मतलब यहाँ पास क्या हो गया, छोटे से पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एपिमॉर्फोसिस के बारे में, एपिमॉर्फोसिस में एक्चुअल में क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कोई भी पार्ट अगर कट के अलग हुआ है तो उस पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, लेकिन उसके जगह पे जो कट के बाहर निकला है वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, फिर से रिजनरेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया हमारा, टूटे हुए किसी कटे हुए पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और ये क्या हो गया, जो पार्ट कट के अलग हुआ है उससे नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, लेकिन जो पार्ट अलग हुआ है उसके जगह में नया पार्ट ओरिजिन हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एपिमॉर्फोसिस। क्लियर है गाइस? तो ये चीज़ हो गई। और ये स्पेशली पाया जाता है लिजार्ड में और ये पाया जाता है हाइड्रा में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग फिफ्थ की ओर, जिसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक्चुअल में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उसको आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि अलग से पढ़े होंगे, रिप्रोडक्शन के टाइप्स में पढ़े होंगे आप लोग। पहले पढ़े होंगे आप लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद फिर पढ़ा होगा आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद फिर आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ सेक्सुअल और असेक्सुअल, इसलिए असेक्सुअल में थोड़ा सा इसका पोर्शन ले लिया गया है। क्लियर है गाइस? इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। क्लियर है? तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्चुअल में होता है स्टेम में, रूट में, लीफ में और बहुत सारे पार्ट्स में भी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, स्टेम से स्टार्ट करते हैं। जो स्टेम होता है उसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं रोज से। आपने रोज प्लांट देखा होगा, जो रोज प्लांट होता है उसमें घर में कटिंग लगा दी जाती है और उसको क्या है, गमले में गड़ा दिया जाता है। ठीक है, उसको प्रॉपर वे में कल्चर देके, कल्चर मीडियम लेके, तो वो क्या हो जाता है, कुछ दिनों के अंदर क्या हो जाती है, उसमें रूट्स बन जाती हैं और एक वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, एग्जाम्पल है कटिंग का, स्टेम कटिंग का एग्जाम्पल है। क्लियर है गाइस? चलिएगा अब हम लोग लीफ के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एक्चुअल में लीफ होती है वो हम लोग एग्जाम्पल बात करते हैं ब्रायोफाइलम के बारे में। तो जो ब्रायोफाइलम होती है उसमें क्या होती है कि कुछ लीफ ऐसी स्ट्रक्चर की होगी जिसके एज से, कॉर्नर से क्या हो जाती हैं, कुछ बर्ड का फॉर्मेशन होने लग जाता है। दिख रहे हैं आपको यहाँ पास कुछ बर्ड्स का फॉर्मेशन करवा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पास क्या हो गया, कुछ बर्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। जब ये बर्ड्स ऐसे गिर के सॉइल में चले जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, सॉइल में जब चले जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, जर्मिनेट हो जाएंगी और न्यू प्लांट डेवलप कर जाएंगी। अब भाई ब्रायोफिलम के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, वैसे हम जब पढ़ते थे उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि ब्रायोफिलम की पत्तियों को बूक में दबा के रखते थे। बूक में दबा के रखने से क्या होता था, उसमें वहीं पास क्या हो जाती है, बडिंग हो जाती थी, जिसके बाद फिर वो क्या दिखने लग जाता था, कॉर्नर कॉर्नर पे, एजेस एजेस पे क्या बन जाते थे, बर्ड्स वहाँ पास बन जाते थे। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा ब्रायोफिलम लीफ के बारे में। वैसे ही रूट्स में भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। चलिएगा अब हम लोग देखते हैं सिक्स्थ वन और लास्ट वन है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन जो होता है एक्चुअल में, स्पोर फॉर्मेशन को ही क्या कह देते हैं, स्पोरुलेशन कह देते हैं। क्लियर है? ये स्पेशली एग्जांपल्स याद रखेंगे आप लोग कि जो एल्गी होता है, एल्गी और फंजाई, इनमें स्पेशली पाया जाता है। हम लोग यहाँ पास अब फंजाई के बारे में बात करेंगे जिसमें कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए कि ये एल्गी की पूरी बॉडी है, ये एल्गी की क्या है, पूरी बॉडी है। अब यहाँ पास से क्या हो जाएगा कि यहाँ पास से कुछ ऐसे कोनिडियाज बन जाएंगे। क्लियर है? ऐसे यहाँ पास बन गए कोनिडिया, तो इसको बोल देते हैं अपन कोनिडिया। तो ये कोनिडिया है और इनके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे यहाँ पास स्पोर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, यहाँ पास दिख रहा होगा आपको, रेड कलर से बना रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो गए, छोटे छोटे स्पोर्स हो गए। और जब ये कब बनते हैं,
ये फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। कब बनते हैं? फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। कुछ में क्या हो जाते हैं? अनफेवरेबल कंडीशंस में भी बन जाते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं कोनिडिया, तब इनमें क्या हो जाता है? स्पोर क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब मैच्योर होगा तो डिस्पर्स हो जाएंगे स्पोर्स, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएंगे? फिर से जर्मिनेट हो जाएंगे। और वो जब जर्मिनेट होंगे तो क्या हो जाएगा? एक न्यू फंजाई का ओरिजिन हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये तो रहा हमारा भाई कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्पेशली बात कर लिया कि छह टाइप जो हैं बेसिक से उनको हमने डिस्कस कर लिया। तो हमने क्या देखा है अभी तक? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक टाइप्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीज़ होती है कि भाई यहाँ पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं ओवरऑल रिप्रोडक्शन में, कि भाई रिप्रोडक्शन में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा, म्यूल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम बताते हैं कि जो मेल डोंकी होता है और फीमेल हॉर्स, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो फिर जो ऑफस्प्रिंग मिलती है उसको बोल दिया जाता है म्यूल्स, जो कि फर्टाइल नहीं होती, वो रिप्रोड्यूस करने के लायक नहीं होती। क्लियर है गाइस? चलिएगा दूसरा देखते हैं हम लोग, स्टेराइल वर्कर बीज। जो वर्कर बीज होती हैं वो भी रिप्रोडक्शन करने में असक्षम होती हैं, मतलब कैपेबल नहीं होती हैं। क्लियर है? चलिएगा लास्ट देखते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो जो ह्यूमंस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ह्यूमंस में भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जा मतलब ऐसे ह्यूमंस पाए जाते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, जो लोग ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं होते। तो क्लियर है? तो यहाँ पास क्या पाया जा रहा है? पूरे रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन है यहाँ पास, कि भाई रिप्रोडक्शन अगर एक्सेप्शन के थ्रू यहाँ पास आ रहा है तो फिर ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जहां पास भी एक्सेप्शन हुआ वो वहां पास क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है? मतलब वो गलत साबित हो जाएगा। वैसे ही हमने ग्रोथ में देखा था कि ग्रोथ जो है वो लिविंग की प्रॉपर्टी तो है, इंटरनली ग्रोथ हो रहा था, लेकिन जब हमने नॉन लिविंग की बात की तो नॉन लिविंग में इंक्रीज इन मास के थ्रू भी ग्रोथ हो रहा था, इसलिए हमने ग्रोथ को क्या बोल दिया? नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ही रिप्रोडक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है गाइस? तो हम लोग अभी यहाँ तक की बात किए और रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है।